अपने धाम में एक बार फिर से पत्रकारों की टीम मनु भैया जी के पास पहुंची। इस दौरान उन्होंने मनु भैया जी से कई सवाल किए। इन सवालों में न सिर्फ सनातन धर्म की वैदिक परंपरा शामिल रही, बल्कि शनिधाम में आने वाले लोगों को कैसे महायज्ञ से रोगों से मुक्ति मिलती है, इस पर भी विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा जी न्यूज जैसे कार्यक्रम से उन्होंने क्या कुछ सीखा और कौन सी बातें उन्हें आहत कर गई, इस तरह के कई सारे सवाल किए गए, जिसका जवाब मनु भैया ने बड़े ही बेबाकी से दिया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वे सनातन धर्म में रहते हुए मंत्र जाप और चिकित्सा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी ये सेवाएं निस्वार्थ हैं, बिना किसी लोभ लालच के हैं। वे अपने आध्यात्मिक शक्ति से केवल मानवता की सेवा करना चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य भी है। नमस्कार, जय शनिदेव। तो दोस्तों, इस समय मौजूद है सुल्तानपुर झील गुड़गांव के क्षेत्र में, जो हरियाणा में लगता है। आपको बता दें कि मनु भैया जी शनिधाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि पीछे आपने देखा है न्यूज नेशन और जी न्यूज पर भी बड़े कार्यक्रम चले हैं इसके। और आज हम पहुंच चुके हैं मनु भैया जी शनिधाम गुरुग्राम में, जहां पर परम पूज्य मनु भैया जी के नाम से महंत यहां पर हैं शनिधाम के, और वो महायज्ञ करते हैं यहां पर। उनका कहना है कि यज्ञ के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं, ऊपरी बाधा, पितृ बाधा, प्रेत बाधा, कुपित वायु, इनसे जो होने वाले उत्पन्न रोग होते हैं शरीर के अंदर, उन रोगों का निवारण कर देते हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से उनका निवारण करते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पर कई चैनल आए हुए हैं। आपको बता दें, आवाज हरियाणा की और खास मुद्दे, और साथ ही आप मुझे जानते हैं, ओमपाल प्रसाद GNN न्यूज एजेंसी से आपके साथ हूँ। और अब हम शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को परम पूज्य मनु भैया जी और मथुरा से आए हुए एक महात्मन जी उनके साथ। यहाँ मौजूद हैं हमारे पत्रकार साहब खास मुद्दे से, अब वो वहाँ सवाल करेंगे। और देखिएगा, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन इसको मानिए, सच्चाई का प्रतीक इसको मानिए, और शनि धाम का रहस्य इसको मानिए। आज देखते हैं खुलकर बेबाक बातचीत में क्या निकलता है इसका औसत। जी, सभी को नमस्कार, सारे दर्शक जितने लाइव देखने लग रहे। फिलहाल मैं सुशील सियाग, फिलहाल सीधा डायरेक्ट लाइव करते हैं, लाइव में आप जुड़ गए हो। ओमपाल जी ने सारा परिचय दे दिया है। आज के दिन बात करें नेगेटिविटी, भूत प्रेत, अंधविश्वास, पाखंड, किन चीजों को बोलते हैं, और ऑलरेडी मनु भैया यहाँ पर करते हैं वो चीजें, क्या पाखंड करते हैं या अंधविश्वास फैलाते हैं या रियल में वो करते हैं। सीधा डायरेक्ट मनु भैया जी, आपका स्वागत है सभी चैनलों। जी, सबको प्रणाम। जितने भी लोग देख रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे, सबको मेरा आदर से ही प्रणाम, जय शनिदेव। एक बात मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि पाखंड इस विषय में बहुत है, और जब मैं इस विषय में आया था और संलग्न हुआ था, तब मैंने पाखंड को ही सबसे पहले धोना स्टार्ट किया था। तो उसमें एक बाबा नींबू वाले थे, वो नींबू से प्रेत निकालते थे, तब मैंने सबसे पहले उनको टारगेट किया था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग जो थे उनको टारगेट किया, एक एक बात लोगों को समझानी स्टार्ट की और एक एक बात लोगों तक पहुंचाई मैंने। और वो मेरी बात क्या थी, वो आज आपको सब कुछ पता चलेगा उसमें। लेकिन सबसे पहले आप शनि धाम की प्रक्रिया समझिए। हमारी शनि धाम की प्रक्रिया ये है, जो मैं वर्षों वर्ष से चाहता था, 20-30 वर्षों से जो मेरे साधन था, पिछले 20 वर्षों से जो मैं चाह रहा था कि भारत की बेटी का सर क्यों घूमता है, क्या है उसके पीछे रहस्य, क्या वो किसी डॉक्टरी रोग से बीमार है या उसको कोई और रोग है, या वाकई में उसको ऐसा कोई रोग है कि जिसको हम ये बोलते हैं कि भाई ये कष्ट जो है वो प्रेतादिक का है या किसी और चीज का है। बेटे कुछ चल रहे हैं, उसको बंद करा के आइए, आवाज आ गई जिसकी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कष्ट चल रहा था, ये मैंने इसको छुआ और बहुत गंभीरता से छुआ, वैज्ञानिक तरीके से छुआ, परावैज्ञानिक तरीके से छुआ, पराविज्ञान के तरीके से छुआ, और मैंने पाया कि ये प्रेतादिक है जो लोगों के शरीर में खेलते हैं। इनके खेलने के पीछे का भी एक रहस्य है, ये कहीं नहीं खेलते हैं, ये बस वो आत्माएं हैं जो अतृप्त हैं और वो हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर, उनका वेग इतना तेजी के साथ है, उनका घूर्णन, उनकी गति इतनी तेज है कि वो बेचैन रहती है और शरीर में बहुत तेजी के साथ घूमती है, जैसे कोई मोटर चलती है, और उससे पूरा शरीर डावाडोल हो जाता है। एक बात अलग है, तो क्या इस विषय में पाखंड भी है? ओमपाल जी आप पूछेंगे या मैं खुद ही बताऊंगा? नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ
कि भारत देश में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे धाम हैं, बहुत सारे महंत हैं। सरकार ने भी बहुत सारे मंदिरों को प्रमाणित किया हुआ है, धर्मशालाओं को प्रमाणित किया हुआ है। तो प्रेत बाधा और पितृ बाधा जैसी और इनके हिसाब से होने वाले रोगों को जो लोग ठीक करते हैं उनको अंधविश्वासी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो जिनको ठीक करते हैं वो खुद ही उस पीड़ा से बीमार होते हैं, एक इसलिए उनको अंधविश्वासी कहा जाता है। इस भारतवर्ष में आप ये लगाइए कि जब मैं इस मार्ग पर आया और जब मैंने भक्ति की भगवान की, तब मैं क्या होता है कि कोई भी आदमी भक्ति करता है और उसकी कुछ पुस्तकें होती हैं, प्रचार होता है उसका, तब मेरा कुछ प्रचार हुआ क्योंकि मैंने भगवान की बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां लिखी थी और वो मेरे हाथ से बिछी थी। जब मैं उनको बांटने चला तो मुझे लोग मिलते चले गए और उन लोगों को पता चला कि मैं शनि का भक्त हूँ। तब उनकी इच्छा क्या होती है, प्रत्येक भक्त से कुछ ना कुछ जानने की होती है, कुछ ना कुछ पाने की होती है। उस जानने में, उस पाने में उन्होंने कुछ जाना या नहीं जाना, उन्होंने कुछ पाया ना पाया, लेकिन मनु भैया ने बहुत कुछ पाया। तब मुझे पता चला कि आदमी बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है, उसी कष्ट में है वो, जो कष्ट उसको जो है कदीमी से चला आ रहा है। वो कष्ट क्या है, ये माताओं बहनों के सर घूमते हैं, क्या वो पाखंड करती है? नहीं, उनका पाखंड नहीं है। वो जो लोग सर घुमा के उनको उतारने की कोशिश करते हैं वो पाखंड उनका है, उन माताओं बहनों का कोई पाखंड नहीं है। मेरे भारत की कोई माता पाखंड करना नहीं जानती, ये मैं आपको बताता हूँ। और कोई एक आध ऐसी होती भी है ना तो उसका पता भी चल जाता है। बाकी आप लोग जो है इसको नकार देते हैं सिरे से, तब मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है। एक तत्व है, हम उसको छेड़ नहीं रहे हैं, हम उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं और दुनिया उस तत्व से दुखी है। तब क्या है, तब भारतवर्ष में केवल दिल्ली में कई लाख तो लोग जो है हनुमान जी आते हैं कई लाख लोगों में, और कई लाख लोगों में काली माता आती है। सब खेलते हैं, कोई गधा लेके खेल रहा है, मुंह फुला रहा है हनुमान की तरह, और कोई क्या कहते हैं सिंदूर लगा रहा है पूरे शरीर में, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये पाखंड है, इसको मैं सिरे से नकारता हूँ और लोगों को कहता हूँ आप खेले नहीं, ये खेलने का काम है ही नहीं। और जो खेलता है वो प्रेतादिकों से ही खेलता है, पिशाचादिकों से ही खेलता है, बस उसने ये मान लिया है ये मेरे अंदर भगवान आ रहा है। क्यों? और एक बात और, वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब तक वो उसके अंदर आ रहा है तब तक लोगों में उसकी मान्यता है, लोग ये समझ रहे हैं कि यही भगवान है, जबकि लोगों को पता नहीं है, महत्ता ही नहीं है लोगों को। 20 साल मेरे को हो गए जप करते करते, आज तक मेरे शरीर में कोई तरंग ऐसी नहीं आई जिसने मुझे नचाया भी हो। ऐसे झटका जरूर लग जाता है कई बार शक्ति का, जैसे एकदम से कोई तरंग आई आपको, उसका बस इतना सा झटका लग जाएगा, बस हो गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, और अंगों में स्फुरण होता है, खुदकना अंग का, ऐसे कभी ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर में कोई देवता है और आप खेलना चालू कर दो। ये देवता नहीं है, पिशाचिक कर्म है, और वो पिशाच ही आता है, कोई देवता आता ही नहीं है। अच्छा। ये जो अभिचार है, ये जो कर्म है, ये निंदनीय है, और इसी वजह से मेरा भारत, मेरा सनातन पिछड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये अंधविश्वासी। और ऐसा मैं बताता हूँ कि ऐसा कर्म करने वाले भी लोग जो है वो उनमें डॉक्टर भी है, कोई टीचर भी है, कोई मास्टर भी है, वो भी बहुत ऊंचे लेवल से है, और वो ये नहीं सोचते पर तुम्हें इतनी वो हाजिरी कैसे आती। एक बात, महात्मा नाम मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सारे महात्माओं से मिले हैं, वो सारे भगवान की भक्ति करते थे। जब वो भगवान की भक्ति करते थे उनमें कई ऐसे भी होंगे जो 40-40 वर्ष पुराने होंगे, तो क्या उनके सर घूमते हैं? नहीं। इतने वर्षों तक जाप करने के बाद भी जब किसी का सर नहीं घूमा तो आप इसी से लगा लीजिए, इसका मतलब भगवान ऐसे नहीं आते हैं कभी भी, कदम कभी भी। और कभी भी जब भगवान ऐसे नहीं आते हैं तो फिर इनमें क्यों आ रहे हैं? इनमें कोई भगवान नहीं आता, पिशाचिक कर्म है ये, और पिशाच ही इनमें आते हैं, और वही उल्टा सीधा भोग मांगते हैं, वही चौराहों पे जाते हैं, वही बर्फियां खाते हैं, वही दारू पीते हैं, और वही सिगरेट जलाते हैं, और वही ये काम करते हैं, और वही मांस का भक्षण करते हैं। तब हमने इसको मान लिया अच्छा कर्म, ये अच्छा नहीं है भाई। कोई आदमी खेल रहे हैं और तुम भी खेल रहे हो, वो तुम्हें कैसा खेलना बंद करेगा जब वो अपना ही नहीं बंद कर पा रहे? तो सबसे पहले हमें यहाँ गौर करने की बात है, इसका मतलब ये निंदनीय कर्म है, ये समाज में किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इस ढोंग ढकेसलों को बंद कर दीजिए, अपने ताम झाम उठा लीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। बस एक काम होगा कि बड़ा कोई पहलवान प्रेत होगा वो किसी छोटे पहलवान प्रेत को शरीर से निकाल देगा, वो भी तब तक जब तक वो रमा नहीं है। अगर वो अंदर रम गया है तो उसको निकालना केवल शब्द से ही हो सकता है, भगवान के नाम से ही हो सकता है। जी, अभी आपने देखा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, इसने जब छानबीन शुरू की भारतवर्ष में, तो ऐसे ऐसे बाबा पाए गए, मुंह लाल हो रखा है, जीभ बाहर निकल रही है, ऐसे हिल रहे हैं, वैसा कर रहे हैं,
कुछ दारू पिलाकर रोग को खत्म कर रहे हैं, कुछ सिगरेट पिलाकर, कोई पीट कर कर रहे हैं, कोई मार कर कर रहे हैं, कोई कंबल उड़ाकर। तो क्या माने, क्या सनातन धर्म की जो पद्धति है क्या ऐसा करने के लिए भी विवश करती है? सनातन तो कभी करता ही नहीं, कहता ही नहीं कि आप सनातन, तो वैदिक है। आप वेदों के मंत्रों का उपयोग करें ना, आप ओम भूर्भुवः, आप ओम होम जूम से, आप ये वैदिक मंत्र है बृहत साम आदि, ये ऋग्वेद की सूक्तियां हैं, ये अलग अलग वेदों से हैं, या आप संजीवनी मंत्र लेते हैं, ये सब अलग अलग वेदों से लिए गए हैं, और उन वेदों के इन मंत्रों से बहुत सारे रोग जाते हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है आप वैदिक मंत्रों को कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, और वो मैंने करके देखा है, दिखाया है यहाँ लोगों को, और मैं दिखाता भी हूँ, और वो करके देखोगे भी आप, बड़े बड़े डॉक्टर भी देखेंगे यहाँ पे शनि धाम में वो यज्ञ करके, और फिर उसका क्या फल मिल रहा है तुरंत के तुरंत वो भी आप देखोगे। दरअसल हम जो घर में यज्ञ करते हैं ना, उसका परिणाम हमें सुफल कभी नहीं मिलता। उसके पीछे का एक कारण है कि उसका परिणाम क्यों नहीं मिलता सुफल, क्योंकि हम भगवान को भोग ही गलत दे रहे हैं। भोग का मतलब क्या है, हमने स्वस्थ भोग भगवान को दिया। हम गए दुकानदार से कहा आज पंडित जी ने यज्ञ बोला है जी, अब वो अपनी मर्जी से सामान देता है, जो घी उसको 60 रुपए का पड़ता है एक पाव, वो जो 250 का बिकता है वो उसको लेगा, ना कि वो जो 240 का मिलता है और 250 का बिकता है वो उसको कभी नहीं देगा। तो भगवान के लिए जब आपका भोग ही खराब है, पीछे मैं यज्ञ कर रहा था, आपको यकीन नहीं आएगा, वो वीडियो मेरे इसमें है, सर्च कर लेना। एक घी की कंपनी का घी था, अग्नि जल रही थी और मैं उस घी को पिघला रहा था, डब्बा पिघल गया प्लास्टिक का, घी नहीं पिघला। तो वो कैसा घी होगा जो हम भगवान को दे रहे हैं? क्या चोट है ये भगवान के सीने पे कि जो हमें सब कुछ दे रहा है हम उसके लिए इतना सा भी खाद्य नहीं कर रहे? और जिस यज्ञ से हमें सारी भूमिका मिल रही है, वो यज्ञ जो भगवान राम को प्रदान करने वाला है, जिन्होंने भगवान राम के बाकी भाइयों को प्रदान किया है, उस यज्ञ से जिससे द्रौपदी और दुष्ट दुमन पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उस यज्ञ से जो है हमें ये भी मिलने वाला है, सारे ऐश्वर्य, सारे रोगों का निवारण हमें यज्ञ से ही तो मिलता है। और यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं, तब सारे यज्ञ करते हैं हम, कोई कोई यज्ञ करता है, कोई कोई यज्ञ करता है, कोई कोई यज्ञ करता है, भगवान राम ने भी यज्ञ किया है जी, तो राजसूय यज्ञ किया, तब ऐसे यज्ञों का हमें लाभ मिलता है। और रोजाना यज्ञ करने से परिणाम में हमारी जो निगेटिविटी होती है, तभी लोगों के दर्द ठीक होते हैं कि मैंने यज्ञ किया दर्द ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि रोजाना यज्ञ करने से निगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है जी। महायज्ञ और महायज्ञ, यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, ऐसे वर्ड कहीं देखने को मिले नहीं। आपने यज्ञ चिकित्सा का नाम रखा, मंत्र चिकित्सा का नाम रखा, तो किस प्रकार से आपने ये नाम दिया यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा? वैदिक काल से ही हमारे वेदों को पढ़ने वाले जो ऋषि थे उन्होंने अनुभूत किया, और उनकी जो अनुभूति है वो सबके लिए वरदान बने। उन्होंने जो वेदों में मंत्र थे, ऋचाएं थी, उनमें से खोजा और कौन सी ऋचा किस रोग पे काम करती है, उस ऋचा को बताया हमें, और तभी हमें वेदों से मिला कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री है, सविता गायत्री है, इससे सभी रोगों का हनन होता है, नाश हो जाता है। ऐसे भगवान सूर्य का मंत्र भी है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम रोम ह्रह स सूर्याय नमः, और उनकी चाक्षुषोपनिषद एक उपनिषद के रूप में ही चाक्षुषी विद्या है जो केवल चक्षु रोग को ठीक करती है। इस प्रकार से फिर बाद में हमारे जो नवीन काल था उसमें तो हमारे तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी भी जल पढ़ के देते थे तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर को मानते थे, और उनका भी उन्होंने आह्वान करके जब किसी को जल दे दिया, लेकिन जल भी जैसे आप टीवी पे देखते हैं ऐसे कर दिया, और फिर उसमें भी कलाकारियां दिखा रहे हैं ये दर्द गया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए स्पेशल आपको जप करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को टाइम देना पड़ेगा, एक बार दिखाना पड़ेगा, देखिए आपको ये रोग डॉक्टर का नहीं है, और फिर जब उसको आप करके दिखाएंगे फिर उसको बताएंगे कि आप ठहरे और जरा क्या करें, जरा आनंद लें, थोड़ी देर बैठें और भगवान का नाम जप करें, और उससे आपका ये रोग सदा के लिए चला जाएगा। लेकिन इसमें आपको समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि निगेटिविटी को एक क्षणिक मात्र में काटा नहीं जा सकता, क्षण मात्र में वह प्रेत भागता है आपके शरीर से जो अभी अभी क्षण मात्र में ही आया है, जो घर चौक चौराहे से लगा है, और उसका आपको भेद खुल गया, वो आपके शरीर में खेलने लगा जी। आप जैसे धाम, कई बहुत सारे देश में धाम है भैया जी, बहुत जगह कई लोगों की मृत्यु भी होगी, भगदड़ होगी, कहीं कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, जैसे आप करने लग रहे सेम इस तरह से भी बहुत सारे धाम करने लग रही है, वो बाबा भी हो सकते हैं, वो संत भी हो सकते हैं, वो महात्मा भी हो सकते हैं, आप और उनमें क्या फर्क है,
आपका रिजल्ट क्या है, उनका रिजल्ट क्या है, किस तरह के वो जो लोगों को ठीक कर रहे हैं, आप किस तरह के लोग, इनमें भी कुछ फर्क है भूत प्रेत में या कुछ मतलब सेम ही? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ 100 लड़कियाँ ऐसी ले आए, क्योंकि अब तो धाम में तकरीबन सभी तकरीबन 99% ठीक हो गए। 100 लड़कियाँ ऐसी ले आए जिनको डॉक्टर ने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बताया हो, जिनके सर घूमते हो, कपाल खुल बाल खोल के ऐसे करती हो, उनको ले आए 10 दिन के अंदर उनकी ये हाजिरियाँ बंद करा ले जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि भूत प्रेत केवल जब से यज्ञ से दीपदान से इन्हीं से जाते हैं, ये वैदिक रीति है। दूसरे धाम में हमारे धाम में क्या अंतर है कि आप यहाँ जब भी आते हैं यज्ञ की सुगंधी आप पाते हैं, हम यज्ञ करते हैं दूसरों से भी यज्ञ करा देते हैं, और अब हमने ये करके भी दिखा दिया है, डॉक्टर के पिता थे एक उनसे भी यज्ञ करा दिया, डॉक्टर से भी यज्ञ करा दिया BMS से, और हम किसी ना किसी MBBS कोई डॉक्टर आएंगे उनसे भी कराएंगे, तब वो खुद जांच लेंगे कि हाँ भाई कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल प्रेतादिकों से पितरादिकों से होती है, और वो रोग के रूप में केवल दर्द उत्पन्न करते हैं शरीर में, और जो शारीरिक रोग है वो उससे डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि ये बात डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, और इसलिए लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको सोच के कि मेरे को दर्द है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दुनिया भर की दवाइयां खाते हैं और ठीक नहीं हो पाते। देखिए अगर शारीरिक रोग होगा तो डॉक्टर ठीक करेगा ही करेगा, फिर इसमें एक भेद और है, अब वो भेद क्या है ये बात सोच लीजिए, तब कोई झूठी भी भूख मार रहे हैं ना, वहाँ लोग भगवान के नाम से जा रहे हैं श्रद्धा से, तो वो 2-4 साल के जो बीमार है ना उनके दर्द वहाँ से चल के कहीं और आ गए, किसी का कमर में दर्द था वो ठीक हो गया, और उसके बाद उसको 2-3 दिन बाद घुटने में चालू हो गया, वो तत्व वहीं था, उस तत्व ने सोचा पता नहीं ये बाबा क्या करेगा, लेकिन इसकी स्कीम पास कर देता, क्योंकि प्रेत जो है वो बहुत चालाक होता है, जो हमारा पितर है वो बहुत चालाक होता है, उसने पहले शरीर ग्रहण किया होता है, उसके पास भी बुद्धि होती है, जब आप डॉक्टर जैसे मान लिया किसी घुटने में दर्द है, जब वो घुटने का कुछ भी चेकअप करता है और आदमी के घुटने में दर्द है और वो कहता है कुछ नहीं आ रहा है, तब वो तत्व नीचे सरक जाता है, बाद में वो फिर वहीं आ जाता है, उस आदमी को फिर वही दर्द है और डॉक्टर कह रहा है आपको कुछ नहीं है, ऐसे ही माइग्रेन में भी होता है, सारी बीमारियों में ऐसे होता है, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाता, तब उस तत्व को निकालने के लिए कोई तो चाहिए ना, इस दुनिया में शनि धाम में 100% काम होता है, और अब तो मैं कह सकता हूँ कि जिस कार्य के लिए मैं लड़ रहा था वो कार्य में मेरी पूर्णता आती जा रही है, दक्षता आती जा रही है, तो जो मनु भैया 20 साल पहले थे जब आपने उनसे अपना पूजन हवन कराया वो आज नहीं है, आज उनमें पूरा बदलाव आ चुका है, भगवत कृपा है ये कि आज हम सारी दुनिया को अपने सनातन धर्म का परचम लहरा सकते हैं, अब किसी को प्रेतादिकों के कारण जिनके सर घूमते क्रिश्चियन बनने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ ठीक होंगे कि नहीं, मनु भैया के पास आइए, सत्य को जानिए और ठीक होके जाइए, केवल बोले शनिदेव महाराज की जय। ये एक अहम सवाल है, शनि धाम प्रेत बाधा पितृ बाधा कुपित वायु इनके द्वारा होने वाले रोगों से निवारण करता है जी, क्या सदैव ये रोगों का निवारण करता रहेगा या मनु भैया स्वामी या धर्मगुरु भी बनेंगे? ना तो धर्मगुरु बनने की बात है इसमें, ना कुछ स्वामी जी बनने की बात है, मनु भैया तो मनु भैया है, सब माताओं बहनों के भैया ही रहेंगे। एक बात, मैं तो केवल ये पति, मैं तो एकांत में भजन करने वाला आदमी हूँ, मैं 6 साल तक लगातार मैंने मौन किया है, और 40 दिन का मौन रह के भी पता चलता है कि नाभि के नीचे से स्वर आता है, खींच के आता है, तो मनु भैया को कोई स्वामी महात्मा धर्मनिष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं है, ना उसको दिखावा करने की आवश्यकता है। मेरा मानना ये है एक बार संसार ये पत्ती जान ले, मुझसे सीख ले, ना सीखे तो अपनी खोज कर ले, और फिर संसार को ऐसे भ्रमित ना करे कि भूत प्रेत होते नहीं, क्योंकि जिनका इतने पुराणों में वर्णन है, 18 पुराणों में से 12 पुराणों में जिन प्रेतों का वर्णन है, और जिनका 84 ग्रंथों में वर्णन है तंत्र ग्रंथों में, वो ऐसे व्यर्थ में तो है नहीं, और जो शब्द पृथ्वी पे आया है वो प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है। देखिए, या तो आप तुलसीदास जी को मत मानिए, या आप अपने धर्म ग्रंथों को मत मानिए, या आप अपने तंत्र ग्रंथों को मत मानिए, या भगवान शंकर को मत मानिए, या आप तुलसीदास के उस वक्तव्य को मत मानिए कि एक प्रेत ने उनको हनुमान जी की राह दिखाई, ठीक है, तो आप फिर कुछ मत मानिए, और मानना है तो ढंग से मानिए, मैं ये कहता हूँ, ताकि आपको क्रिश्चियन बनने की आवश्यकता ना पड़े। एक आदमी क्यों जाता है उधर, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु यीशु मसीह प्रेतादिक निकालते थे, शैतान निकालते थे, बोलते हैं कि वो कभी भारत आए थे, हो सकता है तब उन्होंने ये पत्ती यहाँ से सीखी हो, और उन्होंने भी यही देखा हो लोग पीड़ित तो इस काम से है, और कुछ और हो रहा है, तब आदमी बेहोश हो जाता है, दांत बिछ जाती है, श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि मरने के बाद आदमी जीता नहीं है, लेकिन आपने किसी को गलत मृत घोषित कर दिया, तब तो वो जिएगा कि नहीं जिएगा। हमारे पास एक आदमी आता है किरण पाल नाम का, उसको डॉक्टरों ने 2 बार मृत घोषित कर दिया, एक बार तो वो गांव की शमशान में जाके जी गया, अगर वो मृत था तो जिया क्यों, उसको प्रेत बाधा थी, वो शनि धाम से टली, और उसका एक ऑपरेशन भी शनि धाम से टल गया,
मेरे पास सारे प्रूफ है, प्रमाण है, सबूत है, आदमी जिंदा है और उनके पास इतने कागज हैं आज भी और वो सब संभाल के रखे हुए हैं। वो शनि धाम में मौजूद है वो सारे कागज। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं बनाए हुए हैं, हमने सारा प्रमाण लिया हुआ है। तब मनु भैया तो रोग ठीक नहीं करते, क्योंकि जो शारीरिक रोग है उसको डॉक्टर ही ठीक करेगा, चिकित्सक ही ठीक करेगा। ये हमारी आयुर्वेद की पत्ती थी, ये वहां से खत्म हो गई। यज्ञोपैथी शुरू से चली आ रही है, यज्ञ विधान शुरू से चला आ रहा है और प्रमाण अग्निदेव भगवान स्वयं कहते हैं अग्नि पुराण में कि आप यज्ञ के माध्यम से रोग आदि का निवारण कर सकते हैं। मंत्र देते हैं बकायदा, कितने ही मंत्र देते हैं, तंत्र ग्रंथ के मंत्र भी देते हैं और वैसे मंत्र भी देते हैं। तब बहुत सारे पुराणों में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये ही वर्णन है। और हम जब इसके मानने की बात आती है, सर तो दुनिया घुमा रही है, लड़कियां भी सबकी सर घुमा रही है, जब इसको मानने की बात आती है तब हम मना कर देते हैं। कहा है भाई, हम कौन से पढ़े लिखे हो गए और पढ़े लिखे ही ये काम कर रहे हैं। आज वो पढ़े लिखे ये काम कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात का दावा करता हूँ, बहुत पहले से मैंने समझाया है कि किसी को मान लिया पीलिया हो, आपने उसको कहा भाई इस झोड़ में ना पीलिया ठीक हो जाएगा, नहीं, अब उसने कहा 8 सप्ताह ना, 8 सप्ताह में 8 सप्ताह 56 दिन हो गए। अब वो 56 दिनों तक जो है अपने परहेज भी करेगा और 1 सप्ताह में एक बार नहाने आएगा। पीलिया इतने दिनों में तो वैसे ही ठीक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता, शरीर की रोग से लड़ने की भी शक्ति होती है लेकिन शरीर की प्रेत से लड़ने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जब प्रेत शरीर में चढ़ जाता है ना तो आपकी 24 घंटे में एक दो ऐसी हाजिरियां आ जाती हैं कि आपको अपना होश नहीं रहता और आप दुनिया को उठा के फेंकने को तैयार होते हैं और वो 10-10 आदमी लगते हैं फिर उसमें, फिर क्या करोगे आप? तो फिर क्या कहना पड़ेगा? फिर तो ये कहना पड़ेगा, अच्छा एक बात बताओ, किसी मान लिया किसी आदमी को कोई बीमारी है, डॉक्टर ये घोषित करता है कि इस आदमी को ये बीमारी है, तो वो बीमारी क्या 2 ही घंटे रहेगी, बाकी के 22 घंटे नहीं रहेगी? 22 घंटे भी तो होनी चाहिए। अगर उसको शारीरिक रोग है तो 22 घंटे ही होना चाहिए। जिसका दिमाग चल गया है तो फिर उसका 24 घंटे के लिए चला है, नहीं समझे आप? और जिसका दिमाग 2 घंटे के लिए चल रहा है और उसके बाद वो ठीक है, स्वस्थ है, अपनी बातें बता पा रहा है, अपनी बातें कर पा रहा है, अपने घर के सारे काम कर पा रहा है, वो कैसा बीमार है भाई? इसको डॉक्टर क्या बोल रहा है भाई? फिर उसको डॉक्टर दवाई ही क्यों दे रहे हैं? देखिए, नकारने से कोई तत्व खत्म नहीं होता। मैं एक बात मानता हूं और मैं सारी दुनिया को कहता हूं, जो शारीरिक रोग है आप कितना यज्ञ कर लीजिए, मैंने कल भी यज्ञ कराया, एक डॉक्टर के पिता से यज्ञ कराया, 2 आदमियों ने मना किया, उनको लाभ नहीं पड़े। मैंने तुरंत कहा आपको डॉक्टर का रोग है तुरंत, क्योंकि अगर आप बैठे हैं आपकी कमर के दर्द में लाभ नहीं पड़े, आपकी नाड़ी दबी हुई है, शारीरिक रोग आ गए हैं। एक बात बताइए, जी न्यूज पे एक माता जी के पैर का दर्द गायब हो गया, क्यों गायब हो गया भाई? उसको प्रेतादिकों के कारण, पितरादिकों के कारण ही तो था, अगर ना होता तो मनु भैया के हाथ लगाने से कदापि नहीं जाने वाला था, ये बात आप लिख लो। और उस ड्राइवर की भी जो माता ठीक हुई वो दूर से इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसको प्रेतादिक रोग थे, वरना मनु भैया के ऐसे संकल्प नहीं है कि शरीर के रोग ठीक हो जाए, मैं अपना ही गला ना ठीक कर लूं। फिर इस बात को लोगों क्यों नहीं समझते हैं? आज का युवा, आज का नागरिक साइंस को बहुत मानता है जी, चाहे वो पढ़ाई की बात करें, चाहे वो एलोपैथिक या हॉस्पिटल्स की बात करें जी, हर इंसान इन सब चीजों को ज्यादा मानता है जी। लेकिन आपके कार्य को अंधविश्वास ही कहता है, उसे किस प्रकार से समझाएंगे आप? वो अपने वैज्ञानिक उपकरण ले आए, एक उपकरण ऐसा आता है वो आपका ओरा नापता है जी, आप उस ओरा को नापिए, उसमें नेगेटिविटी नापने का भी होता है, नेगेटिविटी नाप लीजिए और जब मैं यज्ञ करूं उसके बाद उनकी नेगेटिविटी और ओरा चेक कर लें। मैं कब कह रहा हूं, PhD आ जाए सारे के सारे, चाहे वो वास्तु से हो चाहे किसी भी चीज से हो, सारे आ जाए, मैंने कब मना किया भाई? मैं वैज्ञानिक कर्म कर रहा हूं और विज्ञान का कर्म कर रहा हूं। एक बात आप लोग बता दीजिए, दुनिया का कोई भी डॉक्टर एक बात बता दीजिए, आज से 10-15 दिन पहले की मेरी एक वीडियो है, एक माता जी को मैं धूम्र पिला रहा हूँ किसका, यज्ञ का, और उसको श्वसन बाधा है। अगर उसको वाकई में श्वसन बाधा होती जिस हिसाब से वो श्वास ले रही थी, ऐसे श्वास ले रही थी, वाकई में श्वसन बाधा होती वो धूम पी लेती थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने जब उसका थोड़ी देर जप किया उसकी चीज शांत हुई और उसके रोग का निवारण हुआ और पता चला इसको प्रेता दिखे और उसका वो कष्ट खत्म हुआ। अच्छा, अनेकों मंत्र होते हैं तो क्या हर मंत्र अलग कार्य करता है? जी, हर मंत्र अलग कार्य करता है। आज मैंने एक मंत्र आपको जपा, बीज देखिए आपके, ओम रिंग जम खम वम जम ध्वम रिंग ओम स्वाहा, आज मैंने ये बीज जपा, सब बीज अलग अलग है। मान लिया आप रम बीज लेते हैं, रकार है, ठीक है, अग्नि बीज है, ठीक है, और इसके साथ रिंग है तो हकार है, और रिंग जो है वो सूर्य बीज है, वो रोगों का नाश करता है और अग्नि रोगों को चलाता है। तब आप दोनों बीज को मिला रहे हैं तो ये क्या करता है आपको, आप देखिए, फिर यही बीज जो है वो
क्या नहीं करता, वो स्तंभन करता है माता के मंत्र में, यानी कि बगलामुखी माता के मंत्र में वो स्तंभन करता है, कीलन करता है, मारण करता है, उच्छेदन करता है, विदारण करता है, वो षट कर्म करता है पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो बीज तो एक ही है लेकिन अलग अलग बीजों का भी अलग अलग अर्थ है। जहाँ मारण की बात आ जाती है, जिसको मारने की बात करते हैं यहाँ पर हम देखिये, यहाँ पे हम ऐसा जो मलिन तत्व शरीर में है जो आपके शरीर को नचा रहा है बहुत सालों से और आप समझ नहीं पा रहे और शरीर में जो अनेक अनेक व्याधियां उत्पन्न कर रहे हैं, उस तत्व को मारने की बात करते हैं। आप देखिए यीशु मसीह ने दुनिया भर के लोग ठीक किए, क्या वो रोग के ठीक करने वाले चिकित्सक थे क्या? तो फिर कैसे ठीक हुए लोग? उसी टाइम से आप आइडिया लगा लीजिए, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की कल्याण की मासिक पत्रिका में आज से 20-30 साल पहले ये छपा हुआ है कि वो जल पड़ के देते थे बहुत सारे लोगों के पांडु रोग, कुष्ठ रोग, ये ठीक हो जाते थे शहरों। मैं कहता हूँ ये रोग अगर हो गए हैं तो आज भी ठीक नहीं होंगे किसी भी मंत्र से, दुनिया के कोई कहे संजीवन मंत्र है, ये मंत्र है, वो मंत्र है, ये सब रोग वही ठीक होते हैं जो किससे होते हैं, प्रेतादिक और पितरादिकों से होते हैं, इसके अलावा कोई रोग शारीरिक किसी भी मंत्र से नहीं जाता है। और एक बात, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सारे प्रेतों के साथ होते हैं। अगर किसी में प्रेत है तो आपके ये कार्य बहुत जल्दी बीच से होंगे, अगर नहीं है फिर आप वशीकरण कर रहे हैं तो नहीं होता। और इन कामों के लिए भी जैसे किसी को बीमार करना है ये तंत्र लोग करते हैं, वो केवल प्रेत भेज के ही उसके जरिए वशीकरण मारण करते हैं और कुछ नहीं करते, तभी लोग जो है वो धसे पड़े हैं और तंत्र से इतनी गहराई में धस गए हैं कुछ नहीं। मेरा तो ये मानना है कि भारत की सरकार जवाब ले, प्रत्येक शमशान की भोंडरी हो 8 फुट की, एक ताला हो, एक आदमी उसमें अंदर रहता हो और वहां पर किसी का आवागमन ना हो शाम संध्या 6 बजे के बाद, और वो भी उन्हीं का हो अगर हो भी तो कभी, जिनके घर से कोई चला गया है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि ये तांत्रिक जो है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं खत्म हो जाए और जो लोगों को माताओं बहनों को एकांत में ले जाके बहका रहे, तेरा ये काम पूरा कर देंगे, तेरा ये काम। जी आप किस तरह का यहाँ पर लोगों को मंत्र, कोई गुरु मंत्र दे रहे हैं या सब के लिए कुछ अलग? देखिए हमारा तो एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम का आप जाप करें, इसके अलावा जो हम बीच से जप करा रहे हैं या करा रहे हैं उसको आप करें, आपको वो फलित होगा, आपके दर्दों को लाभ दे रहा है, आपके कष्टों में लाभ दे रहा है, आप यहाँ रह के रुक के ठहर के रोजाना अपनी गति देखे वो आपको मिलेगी। कोई जो कोई गुप्त कोई ऐसा मंत्र है, मतलब किसी को पर्सनली नहीं दे रहे? जी मेरा कोई गुप्त मंत्र नहीं है और ना होना भी चाहिए, जिनके मंत्र गोप्य हैं, जो कहते हैं कि मंत्र गोप्य है, उनको कुछ मिला ही नहीं उस मंत्र से, इसलिए वो गोप्य है। ठीक है, वो गोप्य कहेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि जिसमें आकर्षण है तो उसी की तरफ भागते हैं, ये समझ में नहीं आता कि जो छिपा हुआ है उस रहस्य को तुम पाना क्या चाहते हो, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति करनी है तो क्या गोप्य है। ठीक है, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो संसार को वैसे ही मिले हैं, ओम नमो गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, नमो गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, कई जगह हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, पब्लिक बहुत जगह कहे भैया जी, ओम ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, और कितने मंत्र हैं ऐसे जो आपको पहले से ही पता है, आपको याद है, गुरु जी को उस मंत्र से कुछ नहीं मिला, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। गोप्य मंत्र जो देता है ये समझो कि उससे कोई शक्ति उत्पन्न हो ही नहीं रही है, इसलिए वो मंत्र गोप्य है। हम ये भूल जाए, आज का युवा जो है इतना पढ़ा लिखा है, अगर उसको मंत्र पता है तो वो खोज करेगा ना मेरी तरह, और अगर उसको मंत्र नहीं पता है तो खोज क्या करेगा, और किसी मंत्र की शक्ति का उसको पता चल जाए वो बताना चाहिए कि ये मंत्र ये बीज ये काम कर रहा है, और वो मंत्र वो बीज अगर वो काम कर रहा है तभी तो लोग सीखेंगे, वरना सीखेंगे लाखों कैसे? लोग सत्संग में जा रहे हैं जी, लाखों लोग करोड़ों लोग सत्संग में जा रहे हैं। हाँ। हमने देखा है यहाँ दिल्ली में बुराड़ी में कहीं निरंकारी संत समागम होता है, बहुत उम्दा भीड़ वहाँ पर आती है, इन लोगों को नामदान दिया जाता है, एक मंत्र दिया जाता है, एक आदमी खड़ा हो गया ये कहते मेरा कल्याण हो गया, एक आदमी खड़ा हो गया ये कहते मैं आत्मदर्शी हूँ और मेरी अभी समाधि लगेगी 50 घंटे की, एक आदमी खड़ा हो गया ये कहते और लगा के दिखा, और कोई आदमी जो है जो ये कह रहा है कि मैंने गुप्त मंत्र ले लिया है वो 5 घंटे ही एक आसन पे बैठ के दिखा दे। तो आपका क्या मानना है कि जो सत्संग कर रहे हैं लोग? मेरा ये मानना है जो सत्संग कर रहे हैं वे सत्संग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे पे पड़े, इन बच्चों पे कैसे पड़ेगा? ये मेरे सामने बैठे, मैंने यज्ञ कराया, इनके दर्द में आराम हुए, इनको लाभ हुए, इनके घर तक के लाभ हुए। ठीक है, देखिए ना तो मैं किसी को बच्चा दे रहा, ना मैं यहाँ किसी के व्यापार चलवा रहा, ना किसी का कोई ऐसा काम करा रहा छिपा के कुछ हदरी, ना किसी से छिपके पैसा ले रहा, सबके बीच में बैठता हूँ, केवल एक काम करता हूँ यज्ञ। मैं कह रहा हूँ यज्ञ से ही आपकी सारी निगेटिविटी जाएगी, कुपित वायु जाएगी। अब इसमें क्या दोष है संसार को?
मैं संसार को अच्छी सीख देना चाहता हूँ, क्या वो सीखना नहीं चाहता आज का युवा? क्या वो भक्ति नहीं करना चाहता? मैं नहीं भक्ति कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने गलत किया 20 साल देखे, और अपने बच्चों के साथ साधन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को भी वही साधन दे रहा हूँ, और चाहता हूँ आपके बच्चे भी वही साधन ग्रहण करें। तो मैं गलत कर रहा हूँ क्या? पाप कर रहा हूँ क्या मैं? और मैं बता रहा हूँ लोगों को कि ये नहीं, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। अगर मैं छली हूँ, छलावा करने वाला हूँ, तो दूसरों का पाखंड कैसे उजागर करूंगा? दूसरों से लड़ूंगा क्यों? मैं बड़े बड़े चैनलों से लड़ रहा हूँ, 2 साल से मैं डॉक्टरों से लड़ रहा हूँ लगातार, क्यों लड़ूंगा? कि भाई तुम्हारी नजर पड़े, कुछ तो है ना ऐसा, आप बताइए। लोग मंदिरों पे जा रहे हैं, ठीक क्यों हो रहे हैं? और वो गवाही दे रहे हैं मैं ठीक हुआ। देखिए आज भी न्यूज नेशन में दुनिया भर के एपिसोड आए, आप ये देखिए कोई भी बाबा की कोई दुकान बंद नहीं हो रही। सुनिए मेरी बात, आपका मानना ये है कि मनु भैया भीड़ का हिस्सा नहीं है? नहीं, और फिर दुनिया भर के बाबा बैठे हैं, मान लिया उन्होंने कहीं पे कैमरा डाला और वहां 4 आदमी ये कह रहे हैं हमारा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अरे भाई शारीरिक रोग नहीं था इसलिए ठीक हो गया, डॉक्टर ये बात क्यों नहीं देख रहे कि भाई वहां ठीक कैसे हो गया? ये उन्होंने वीडियो बनाई, ऐसी कई वीडियो, वो राहुल जी न्यूज नेशन से आए थे ना, वो आए नहीं यहाँ दोबारा। अगर दोबारा आते तो वही मुस्लिम औरत जिनसे उन्होंने पहले पूछा था तुझे कैंसर था क्या लाभ हुआ, उनसे अब की बार भी पूछते क्या लाभ हुआ, अपने आप ना बता देती क्या लाभ हो गया, पर तो क्यों आई है दोबारा? नहीं समझे अब तो, ना तो हम कैंसर ठीक करने वाले हैं, ना हम अब डॉक्टर ही किसी रोग को गलत मान ले कि इसको ये हो सकता है, आइडिया लगा ले कि इसको इतने दिन से बुखार है। अरे भाई प्रेत ज्वर एक नाम है, भूत ज्वर एक नाम है, भूत अपस्मार एक नाम है, और वो कहां से आया? हमारे तंत्र ग्रंथों से। क्यों आया? भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, पर भगवान शंकर झूठे हैं क्या? डॉक्टर सच्चे हैं, भगवान शंकर झूठे हैं? कमाल की बात है, जिन्होंने इतने तंत्र ग्रंथ बता दिए, ऐसे ऐसे ग्रंथ बता दिए, भैरव के भी कुछ हद नहीं, इतनी माताओं के जाप करा दिए, बता दिए, और माता के साथ बैठ के जो है ना आगम निगम रहस्य बखान रहे हैं, क्या वो झूठे हैं? आपके हिसाब से ये 150 करोड़ लोग जो देश के हैं, कितने परसेंट शारीरिक बीमारी है, कितने हिसाब से मतलब इनके 56% लोग भारत के बीमार हैं, और उन 56% में से 16% लोगों को शारीरिक रोग होता है, बाकियों को सब प्रेतादिक रोग होता है, दर्द होते हैं। आप मुझे बताइए, डॉक्टर लिख के दे दे कि मेरे यहाँ, डॉक्टर लिख के दे कि मेरे यहाँ 50% लोग जो आए, या मेरे यहाँ जितने भी लोग आए 100 में से 100 के 100 के दर्द गायब हो गए, खत्म हो गए, आज नहीं है। लिख के दे, पर्ची बना के दे, कोई डॉक्टर अपने हॉस्पिटल का ये दे दे रिकॉर्ड कि इतने आदमी ठीक हुए, और उन आदमियों की वीडियो बना दे। मनु भैया ने 40,000 वीडियो बनाई है, और आप जैसे क्या कहते हैं समाचार अधिवक्ता भी बहुत सारी वीडियो आगे बना के ले गए हैं, तो क्या वो सारी झूठी हो सकती है क्या? 40,000 वीडियो, आज भी 15,000 वीडियो मेरी मौजूद है पूरे भारतवर्ष में, तो क्या वो सारी गलत हो सकती है क्या? आप थोड़ा सा तो अंदाजा लगाएं कि इतनी वीडियो कैसे गलत हो सकती है, और मैं कहां जाऊंगा मेरे बारे में पता चल गया। देखिए एक महात्मा थे नारायण साकार हरि, थे कि नहीं? वो कोई भी वीडियो नहीं डालते थे, क्योंकि वो छद्म वेश में लोगों के भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैंने इसका ये रोग ठीक कर दिया, ये रोग। अरे भाई किसी का कोई रोग ठीक नहीं किया, कोई मंत्र जानता होगा, 2-4ों के भूत झड़ गए, उनके दर्द कम हो गए। इतनी भीड़ जब जुटेगी, जय बाबा की भी करेगी, तो शोर से प्रेत तंग आता है और भाग जाता है। ये बात किसी को नहीं पता मूल की, कि एक प्रेत है शरीर में, उसको शोर नहीं चाहिए, भगवान ने उसकी योनि बनाई इसलिए है। क्यों? क्योंकि वो क्या रहता है, बेचैन रहता है, और तब शोर उसको नागवार गुजरता है। और आपके किसी के भी शरीर में प्रेत है, उसके सामने आप घंटा बजाओगे, ढोलक बजाओगे, जोर जोर से कोई नाम लोगे, या साउंड चलाओगे, तो वो नाचेगा शरीर में, नाचेगा मतलब घूमेगा। आप भाई देख नहीं रहे, एक नाग है उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और बीन वाला तमाशा दिखा रहा है कि इसको सुन रहा है, देखो बीन पे नाच रहे हैं, और फिर भी लोग उसको सच्चा मान रहे हैं। आप भी सत्ता मानते थे कभी, अभी तो पता चला आपको सांप को सुनता नहीं है, नहीं समझे? तो ओमपाल जी आपने ये बात गहनता से समझनी है, सीखनी है, और जो हमारा विज्ञान है ना, मैं विज्ञान की किसी भी कसौटी पे कसने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यज्ञ जो है वो मेरी प्रत्येक विज्ञान की श्रेणी में अपर है, और यज्ञ से ही विज्ञान बना है, वेद से ही विज्ञान बना है, ये मैं आपको बता दूं। भारत सनातन पद्धति का देश है, भारत भारतीयों का देश है, हिंदुओं का देश है, उसके बावजूद भी इन सब चीजों को भारत सरकार ने प्रमाणित क्यों नहीं किया? भारत सरकार तो अब चाहती नहीं है कि कोई नई विद्या पैदा हो, है तो ये पुरातन, लेकिन मैं इसको नवीनीकरण दे रहा हूँ। देखिए हमारे एक ऋषि हुए हैं, और वो ऋषि आर्य समाजी हुए हैं, और उन्होंने आर्य समाज की पुनर्स्थापना की, तो क्या पहले नहीं था? था, तो क्या पहले यज्ञ नहीं करते थे? थे, तो पहले तपस्वी नहीं थे? थे, तो पहले ध्यान धारणा साधना नहीं करने वाले थे? थे, तो पहले क्या आत्म के बारे में जानने वाले नहीं थे? थे, तो क्या सब अनात्मी था? नहीं। फिर उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जब धर्मांध हो जाता है, कि लोग धर्म के पीछे बिल्कुल अंधे हो जाते हैं,
लोग ऐसे अंधे नहीं है, अपने दुखों से अंधे हैं भाई। हमने यज्ञ तो किया, अब महर्षि दयानंद इस कार्य को अधूरा छोड़ गया। अब यक्ष शक्ति भी उत्पन्न होती है, उनको ये बतानी थी, और तुम्हारी जो बाधाएं हैं वे यज्ञ से ही खत्म होंगी, ये भी उनको बताना था। एक, मनु भैया सत्य बोलते हैं अपने विषय को लेकर, जो गूढ़ है, प्रमाणिक है, सत्य बोलते हैं। भूत प्रेत होते हैं, लेकिन आप उनका आकार देखना चाहते हो। मान लिया मैं मनु भैया हूँ, मैं अपने जैसे शरीर जैसा आकार ध्यान करता हूँ उसका, ऐसा होता नहीं है कि प्रेत इतने बड़े आकार का होता है, वो तो इतना सा बिंदु होता है, शैतान है, शरीर में जाता है, छद्म वेशधारी है, बड़ा हो जाता है धीरे 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 खाके, और फिर शैतान कितना बड़ा हो जाता है, आपके शरीर से भी बाहर निकलने लगता है, दिखाई देने लगता है आपको अपना वजन, उसका वजन है ना, इतना भार हो जाता है, पक जाता है वो आपके शरीर में। वो तत्व केवल खार खानी जानता है, उसकी खुराक ही मल है, दुर्गंध है उसकी खुराक, देवताओं की खुराक सुगंधी है, वो अजान बाहु जो देवता है वो केवल सुगंधी लेते हैं, इसलिए उन्होंने अग्नि का चुनाव किया है, और अग्नि के माध्यम से वो समस्त संसार को यज्ञ से जोड़ते हैं, और यज्ञ का जो भोग है वो समस्त आपके देवताओं को, आपके इष्ट को पहुंचता है, उसका आपको लाभ मिलता है। अब हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपके लाइव हैं, देख भी रहे हैं, क्योंकि कई चैनल्स यहां चल रहे हैं, तो उनको आप आज का शुभ विचार दीजिए ताकि वो उस पर अमल करें। आज का सुविचार यही है कि जो भारत का युवा है वो कम से कम कुछ भी नहीं तो रोजाना आधा घंटा मानसिक जप करना शुरू करे, किसी भी मंत्र का, अगर उसको कोई मंत्र है याद। देखिए जो सरल मंत्र है, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम, कोई भी मंत्र में पहले तो ओम आगे लगाइए, ओम पीछे लगाइए, ये हमारे पुराणांतर्गत भी है। ये बात मैंने बाद में पढ़ी, पहले मैंने इसको बताया क्योंकि किसी महात्मा के जो चले गए उनके शब्दों में मैंने पाया कि वो बताते हैं कि शब्दों में जो है वो कुपित वायु होती है, और ओम आगे इसलिए लगाया जाता है उससे कुपित वायु कुछ ठहरती है, और वो जो कुपित वायु है, वो जो कंपन है वायु का, वो मंत्र में नहीं समाविष्ट होता। तब मैंने विचार किया कि अगर आगे लगाए पीछे लगाएंगे तो इसका मतलब इसमें वायु का प्रविष्टि जो है वो निषेध हो जाएगी और मंत्र आपका लोक हो जाएगा, जैसे बोलते हैं लोक, तो जो बीज है वो फिर सफल रहेगा, उसका उगेगा बढ़ेगा, और वो मेरे अंदर उगा बढ़ा, वो पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया आज, तो मैं आज बहुत सारे कार्य जो है वो कर पाता हूँ उन बीज मंत्रों से। जी जी धन्यवाद आज के लिए। कल हवन किया था मथुरा जी के बाबा जी ने, तो उनका रिजल्ट पूछिए। कल जो डॉक्टर साहब ने हवन किया था उनके बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, एक तो वो बाबा जी ने भी कोई हवन किया था बाबा जी? हाँ, वो बता दिया है, अभी बताया था आपने, शायद ध्यान ना दिया हो, कि एक डॉक्टर साहब आए थे फरीदाबाद से, जिनके दो बेटे हैं और वेदांता हॉस्पिटल में वो कार्यरत हैं, इंजीनियर कॉलेज चलाता है एक बेटा उनका, वो डायरेक्टर है, और दोनों ही पति पत्नी यहाँ आए थे, उन्होंने हवन किया और अनेकों लोगों को लाभ मिले, जिसमें एक महिला का कूल्हा भी ठीक हुआ। तो ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने कल बनाई थी, यहाँ मैं पहुँचा था परम पूज्य मनु भैया जी के यहाँ, और मैं आपको बता दूँ कि आज हमने जो बेबाक बातचीत परम पूज्य मनु भैया जी से की है, मैं बता देता हूँ जी, डॉक्टर ने कूल्हे का बदलना बताया, ऑपरेशन बताया, सबके सामने ये बात हुई थी, लेकिन जब उसने यह किया तो उसको तिल भर भी दर्द नहीं था, और आपके ये बात याद होनी चाहिए कि मैंने उसको पहले तो पूरे पैरों पे उछाला दोनों पे, और फिर उसको बोला कि आप पंजे पंजे पे उछलिए। देखिए अगर उसको डॉक्टर का रोग होता और वाकई भी उसका कूल्हा बदलना होता, अब देखिए किसी डॉक्टर ने बताया ना, इसका मतलब उस डॉक्टर को ये पता ही नहीं चला इसको कोई रोग ही नहीं है शारीरिक, इसको प्रेताधिक और पितराधिक रोग है, और वो ठीक हुई और वो उछली अपने दोनों पैरों पे और पंजों पे भी उछली, आप वो वीडियो देखिए और ग्रहण कीजिए। जो दूसरा जो सज्जन यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ करता थे, उनके दोनों बेटे तो हैं ही डॉक्टर, दोनों बहुएं भी डॉक्टर हैं, लेकिन उस दिन के वो सबसे बड़े डॉक्टर थे और अपने बच्चों से भी बड़े डॉक्टर थे उस दिन, क्योंकि उन्होंने यज्ञ किया था, और यज्ञ से बड़ा इस संसार में कोई चिकित्सक है ही नहीं जो हमारे हर तरह के घाव को भर दे। हमें इस पृथ्वी लोक पर जो आनंद नहीं मिल रहा है, जो मोक्ष नहीं मिल रहा है, उस मोक्ष की गति भी यज्ञ से होती है, और ये प्रमाणित है हमारे शास्त्रों में, सारे वेदों में यज्ञ बताया गया है, आप कीजिए, और वेद में यहाँ तक कहा गया है कि यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभो, यानी कि यज्ञ ही समस्त भुवन विश्व की नाभि मंडल है। जय शनिदेव सबको। आज का विस्तार ये था, एक क्वेश्चन रह गया है, वो सुशील सियाग जी पूछने वाले थे जी, अब तो शायद दिमाग से निकल गया, वो लास्ट में लेने की इच्छा थी, वो फिर सवाल से मैं
गप्पी तो गए गोपाल जी, जब सवाल पूछते हैं तो अच्छे अच्छे कर रहे हैं। कई बार तो मैं ही घबरा जाता हूँ। सुशील जी का बड़पन है, मैं आपको बता दूं कि परम पूज्य मनु भैया जी के यहाँ हर तरह से हमने पड़ताल की। शनि धाम में बहुत सारे लोग आते हैं रोजाना, और रोजाना बहुत सारे लोग ठीक होकर जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, रहने की व्यवस्था की हुई है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रहने के लिए व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। और साथ ही आपको बता दें कि 8 बार उनको बुलाने का यहाँ पर वादा किया जाता है कि 8 बार आने में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे अरसे से होती हैं और उन्हें ठीक होने में समय लग जाता है, तो उसके लिए 5-6 महीने साल भी लग सकता है। लेकिन शनि धाम से निराशा हाथ कभी नहीं लगी किसी के, और ना ही उम्मीद है कि आगे लगेगी। अभी बेबाक बातचीत हमने की है, और अगर कहीं कोई सवाल अगर आपको लगता है कि रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, ताकि अगली बार जब चांस मिलेगा तो हम उस सवाल को जरूर करेंगे। किसी ने कमेंट से पूछा है, बताइए। चलो भैया जी लगे लगे जवाब दे दो। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ने लग रही है, मेरा सवाल ये था, ऐसे ऐसे ये प्रेत भी बढ़ने लग रही है जी, भूत प्रेत बढ़ने लग रही है, इसका रीजन क्या है, ये थोड़ा पब्लिक को समझाओ। ये पब्लिक को एक बात समझनी चाहिए, सबसे पहले तो जो जा रहे हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं। आप पहले अपने से गणना कीजिए कि आप अंतर मन से, यानी कि कर का मन का डार के मन का फिर मन में दो जगह जाप किया जा सकता है। कोई आदमी अगर 15 मिनट बैठ के मन में दो जगह दोनों पंक्तियों पे जाप करेगा तो उसको 15 ही मिनट के अंदर अपने शरीर का भार महसूस होना बंद हो जाएगा और इतना हल्कापन आएगा कुछ नहीं। लेकिन जो है यहाँ वो ये है, मैंने कहा कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं कि जैसे मैंने 1 साल भक्ति की और क्या भगवान को धारण ही नहीं किया अभी, और मैंने किसी छोटे मोटे जो है ना देवता को वो किया, क्या कहते हैं जिसको पृथ्वी लोक पर देवता माना जाता है, कोई पहले मर गया था। मोटा देवता भी आपने कहा, छोटा मोटा देवता, ये क्या होता है? ये पृथ्वी लोक के वे देवता है जो अजान बाहु तो है नहीं, और जिनको मरने के बाद हमने देवता मान लिया है जबकि वो देवता है नहीं, ठीक है, उनको तंत्र देवता भी बोला जा सकता है। और वो शरीर में नाचने लगते हैं, आदमी इतनी सारी माला पहन लेता है, ठीक है, इतना बड़ा तिलक लगा के चलता है और अपने आप को असामान्य समझने लगता है कि उसमें कुछ आता है और वो भगवान है, इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे। 1000 लोगों में तो दिल्ली में हनुमान जी आते हैं तब इतना कष्ट, बाकी कहाँ है? 1 से 2 हजार औरतों में माताएं आती है तब इतना कष्ट, बाकी कहाँ है? अभी उन्हीं के कष्ट नहीं निपटे हैं तो दूसरे में क्या, उनको जम्भाइयां आ रही है, उनको दर्द हो रहे हैं, उनके शरीर टूट रहे हैं। और ऐसा अगर कोई प्रेत हल्का पड़ भी गया है तो वो ये ना समझे कि उनके कष्ट कम हो गए, क्योंकि आने वाले 20 साल के अंदर उनकी पूरी पीढ़ियां इसमें समाप्त हो जाती है, उनको निकालना बहुत भारी पड़ता है। मैं इसमें बहुत गहराई से पड़ताल कर चुका हूं, अगले 20 साल में वो सारे बीमार हो जाने वाले होते हैं, पूरे कुल सहित कुनबे सहित, और फिर उनको उससे निकालना भी बहुत भारी पड़ता है, फिर बहुत समय लगता है, और वो समय देने के लिए आज का आदमी तैयार नहीं है, फिर वो मरना ही कबूल करता है। और जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, ऊपर वाले का नाम नहीं लेंगे, ऊपर का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा? तब ऊपर जाएंगे नहीं, नीचे प्रेत ही बन के घूमेंगे। आज कितनी अकाल मृत्युएं होती है आप देखिए, लोग सड़कों पर चलते हैं, हमारे ही बच्चे जब स्कूटी लेके मोटरसाइकिल लेके तो वो इतनी स्पीड में होते हैं, ऐसे ऐसे कट मारते हैं ना कि हमारे हृदय की धड़कनें रुक जाती है एक बार। तो मुझे ये बताइए क्या वो अपने काम पे जा रहे हैं या मरने जा रहे हैं? एक बार अगर अपने काम पे जा रहे हैं तो ये काम पे जाने का तरीका नहीं है। आप आराम से चलिए, धीमे चलिए, दूसरों को बचाइए, अपने आप को बचाइए। मैं ये कहता हूँ सबका आदर कीजिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और बहुए सास ससुर की सेवा करें। सास को अपनी श्वास समझ के और ससुर को अपना स्वयं का सुर समझ के, स्वर समझ के, ऐसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय शनिदेव। शनिधाम से लाइव आपने देखा सुशील सियाग जी के साथ, ओमपाल जी के साथ और एक महात्मा आए। आप चाहते हैं कि मैं उनसे 2 शब्द कहलवाऊं तो वो कहेंगे, क्योंकि वो मनु भैया को जानते हैं, और बताएंगे कि क्या यहाँ पे ढोंग पाखंड ढकोसला होता है या महात्माओं की तरफ विद्युता से कोई काम नहीं। शनिधाम के बारे में विशेषता बताइए जिसके लिए आप यहाँ पर चल कर आए। मैं सभी से जैसे सभी का आभार मानता हूँ, और जहाँ जो भी होता है अगर आपको घर बैठे यकीन नहीं है तो आप कुछ पर समय बिताने के बाद में यहाँ पे उस चीज को महसूस करें। और मैं सभी माता बहनों या भारतवर्ष के जो भी इन चीजों से लिप्त हैं, मैं एक ही बात कहूँगा बार बार कि मन्नू भैया के नाम को न समझें। आप शनि धाम आकर के और मन्नू भैया की पद्धति जो है और जो क्रम है और जिस प्रकार से उन रोगों का निवारण करते हैं, आप यहाँ कुछ समय
लेकर के यहाँ उनके बगल में बैठिए और उन चीजों को समझिए तो आपको एहसास होगा कि शनि धाम मनु भैया कैसे इन चीजों को चला रहे हैं और मनु भैया इन चीजों की कैसे गणना कर रहे हैं और किस प्रकार से बाहर इन चीजों को निकाल रहे हैं। और लोगों को जहाँ तक है मेरा मानना और मेरा अनुभव कि उतना कुछ मिल रहा है जो कि यहाँ तो 5.5-6 हजार धाम चल रहे हैं, तो ये नहीं है कि सभी जगह सब काम हो रहे हैं। आप मेरा एक ही है कि आप आकर के प्रैक्टिकल करें उस चीज को, समझें आके कि मनु भैया क्या गलत कर रहे हैं, क्या डपोल छड़ा कर रहे हैं। प्लस मैं हिंदू भाइयों को, ब्राह्मणों को जो तिलक छापे लगा करके घूमते और वो ये कहते हैं सब ये गलत काम है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भागवत कितने वर्षों से प्रकट हुई, कितने वर्षों पहले प्राप्त हुई? शायद मेरा अनुभव है तो मेरी उम्र तो नहीं है ना, मैंने उस चीज को पढ़ा है कि कितने वर्षों से चल रही है, पर भागवत भी एक तंत्रोक्त शास्त्र है और भागवत से भी ये जो चीजें निकाली गई है तो भागवत में भी वो चीजें हैं। बहुत अच्छी बात है आपके साथ। और मैं आपको बता दूं मित्रों, देखिए चाटू कलता चापलूसी पत्रकारिता में बहुत देखी होगी आपने और चलती ही रहती है। जमीनी स्तर पर कोई पत्रकार ठीक से काम करने के लिए नहीं आता। जब अगर कोई पत्रकार जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए आता तो शायद समाज में भ्रष्टाचार भी खत्म होता और महिलाओं की सुरक्षा भी होती। और जहां सनातन धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ में भी शक्तियां पैदा होती और मंदिरों पर चोर नहीं घूमते। जैसा कि आप देखते हैं कि धामों पर जाएं, आप हरिद्वार में जाएं, बनारस जाएं, सबसे पहले आपकी पॉकेट कटेगी। कहीं किसी मंदिर पर जाएं, मत्था टेकने, आपकी पॉकेट कटेगी। एक मनु भैया जी शनि धाम ऐसा धाम है जहां पर आपको भिखारी नहीं मिलेगा, जेब कतरा नहीं मिलेगा। अगर कहीं कोई सामान आप भूल जाते हैं, आपके इवन पैसे भी गिर जाते हैं, तो उन पैसों को भी यहां पर वापस किया जाता है, बाकायदा अनाउंसमेंट कर लोगों को बुलाकर उन्हें देते हैं। तो ऐसा धाम मैं समझता हूँ आज, क्योंकि पहले कहते थे त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, अब कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, तो अब कलयुग मान लेते हैं हम इसको, पर ये कलयुग के जमाने में भी ऐसा कलयुग कि शनि धाम में खोया हुआ माल भी आपका बरामद होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं और गलती से वो कोई अपना सामान गिरवी रखकर यहाँ आ जाता है इलाज के लिए, तो उसके बारे में जानने के बाद परम पूज्य मनु भैया जी को मैंने पैसे वापस करते हुए देखा है उसको, ताकि वो अपने परिवार को ठीक से पाल सके और अपने घर की समस्याओं को शनि धाम से समाधान कराकर सुख जीवन पा सके। तो ऐसे धाम में आप अनेकों पत्रकार हैं, बहुत सारे बीजेएमसी करे हुए लोग हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, अगर कहीं कोई इस वीडियो को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि भाई एक कदम पवित्रता की ओर, एक कदम सनातन की ओर जरूर बढ़ाएं, ताकि आप लोग और हम लोग हिंदू होने पर गर्व कर पाए। जय शनिदेव।